आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर वो हक पर होता हुआ भी चुप हो गया, सुनो हक पर होता हुआ भी चुप हो गया, मैं उसका हाथ पकड़ कर देता, उसका हाथ पकड़ कर उसको देना। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, आप भी आई हुई हैं, मेरी इस बात को तवज्जो से सुनो। जनाब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तुम में से है जो चाहता हो कि उसकी जिंदगी में बरकत हो। आप चाहते हैं जितने बैठे हो कि आपकी जिंदगी में बरकत हो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया रिश्तेदारियों को निभाना तुम शुरू कर दो, अल्लाह तुम्हारी जिंदगियों में बरकत दे। सुभान अल्लाह। है तो तुम में से जो चाहता हो उसका खात्मा ईमान पे हो। सहाबा इकराम ने अर्ज किया रसूल अल्लाह कौन है जो नहीं चाहता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया रिश्तेदारी को निभाना तुम शुरू कर दो, अल्लाह तुम्हारा खात्मा। ये छोटी छोटी बातों में घरों में फंसा। आज 12 रबीउल अव्वल का दिन है, जितने बैठे हो हाथ जोड़कर माँ बाप को नाराज करने वाले का तो यहाँ बैठने नहीं, उसकी तो नमाज ही कोई नहीं। आप जितनी मर्जी नमाजें पढ़ते रहो, किसने माँ बाप का दिल दुखाया कोई नमाज नहीं। मैं उलमा की मौजूदगी में फतवा दे रहा हूँ, कोई नमाज नहीं जिसने माँ बाप का दिल दुखाया। दाई हलीमा को जानते हैं? जोर से कह दो जानते हो? नहीं। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सगी माँ नहीं है, ऐसे ही है ना, हुजूर ने इनका दूध पिया। हजरत दाई हलीमा ने बड़ी लंबी उम्र पाई, ये आखिर में मदीना आई, मदीना में फौत हुई, जन्नतुल मक्की में दफन। सुभान अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि अम्मा हलीमा मदीने आ रही है। सुभान अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने से निकल कर 5-10 मील दूर दाई हलीमा का इस्तकबाल कर रही है। नौजवानों को दाई हलीमा की जब उठनी करीब आई तो मेरे पाक नबी ने मुहार को खुद पकड़ा। ये वो नबी है जिसकी उठनी की मुहार जिब्रील पकड़ता है। आज वो नबी दाई हलीमा की उठनी की मुहार मदीने आए, हुजूर ने मुहार इस तरह अपने कंधे पे रखी हुई थी। साहब देख रहे थे कौन बुढ़िया है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना दूर जाकर इस्तिगफार। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाना है नबूवत करीब आया, ऊँटनी को हुजूर ने बिठाया तो मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत वाले हाथ जमीन पे रखे, अब यहाँ मेरे हाथों पे पांव रखा। सुभान अल्लाह। मेरे हाथों पे, ये जानते हो नबी के हाथ क्या थे? सुभान यूं हो जाए तो चांद रोक दे, निश्चय यूं उठ जाए तो अल्लाह दुआन को फौरन कबूल कर ले। ऐसे हजरत ऐशा फरमाती है मैं कुवाड़ से खड़ी देख रही थी कि हुजूर कर क्या रहे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में लाए तो बिठाया, जूती नबी ने अपने हाथों से उतारी है, हाथ धुलाए, मुंह धुलाया, बिठाया। अब ऐशा फरमाती है हुजूर मेरी तरफ आए कि इनके खाने पीने का कुछ करो, तो मैंने पूछा यार बुढ़िया कौन है? उन्होंने फरमाया ऐशा ये मेरी सखी माँ तो नहीं, मेरी को बात इसका। जवानों तुम तो माँ को कुत्ती कुत्ती कह के बुला दे, फिर नमाज भी पढ़ लिया, हज भी कर लिया, उम्र भी कर लिया, माँ से रूठे हुए वो बोलते नहीं। माँ से जो रूठा उसने अपने खुदा को नाराज कर दिया है। उम्मत का मनाए मिलाद है, आपको कोई नहीं रोकता, लेकिन मिलाद का जो मकसद है जो क्यों आए। इनकी बेटी है हजरत शीमा दाई हलीमा की, हो सकता है आपने नाम सुना हो। ये बचपन में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोरियां देती थी, बोल रही गजवाए तैयब के मौके पर ये कैदिया हो गई, तवज्जो से सुनना, और इनके साथ इनके कबीले की 6,000 औरतें कैदी थी। कितनी? 6,000। और उस जमाने में जो कैदिया होती थी वो लोरियां बना ली जाती। बीबी शीमा ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम भेजा सहाबा के हाथ के, जाओ अपने नबी को कह दो कि इन कैदियों में आपकी बहन है,
बाद रिवायात में आता है हजरत अली ने जाके कहा, बाद रिवायात में आता है कि किसी और सहाबी ने जाकर हुजूर से कहा, सुना एक औरत है कहती मैं आपकी बहन हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मेरी तो बहन कौन है, ये कौन है? लाया गया हजरत शीमा, पहचान नहीं आई। पहचान बात वक्त की है, अगर वक्त होता तो मैं कहता यहां भी एक अकीदा था कि हुजूर को नहीं पता चला कौन है। पूछा कैसे मेरी बहन हो, मैं बहन हूं अलीमा की बेटी। फरमाया कुछ सबूत को दलील, तवज्जो है, तवज्जो है ना। हजरत शीमा ने बाजू से कमीज उठाई, यहां कुछ निशान था, कहा भैया बचपन में मैंने गोद में उठाया था, अपने दांत मार के काटा था यहां, आज ही आपके दांतों का निशान है। सहाबा कहते हैं अल्लाह की कसम है हमने देखा तो नबूवत की खुशबू आ रही है। सुभान अल्लाह। हुजूर ने अपनी चादर को जमीन पर बिछाया, बहन यहां बैठ जाओ। दो चीजें हैं मेरे साथ मदीने चलना है तो हाजिर, भाई बनकर घर रखूंगा, अगर अपने गांव वापस जाना है तो खुदा भेजता हूं आपको गांव छोड़ के आए, जाओ तुम आजाद हो। कहने लगी भैया बात सुनो, मैं अकेली नहीं, मेरे साथ 6,000 हो। जोर ने फरमाया जा तेरे सच्चे सबको अच्छा। सुभान अल्लाह। अब वो पलटी दूसरी औरतों के पास सुनाने लगी तो औरतों ने कहा सीमा पे ऐसे नहीं जाते, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, शान ए मुस्तफा, अज़मत ए मुस्तफा, मकाम ए मुस्तफा, नारे तकबीर, अखलाक ए मोहम्मद मुस्तफा, अखलाक ए मोहम्मद मुस्तफा। ये 12 रबीउल अव्वल को ये पैगाम ले जाओ कि मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बहनों के साथ क्या किया है। और आज भी बुखारी शरीफ में उलमा बैठे, उनकी लोरी की अशार बोली, मुहद्दिसीन ने उनकी लोरी को बयान किया। फिर ये भी मदीने में आके आबाद हुई। 12 रबीउल अव्वल का क्या पैगाम है? खातून जन्नत हजरत फातिमा घर आती तो हुजूर खड़े होकर इसके बात करते, कभी हाथों पे बोसा कभी माथे पे बोसा। हुजूर घर तशरीफ ले जाते खातून जन्नत के तो खातून जन्नत भी ऐसा करती, कभी अब्बा के हाथों को बोसा कभी अब्बा के माथे पे बोसा। उम्र मिनी सैयद आयशा रजी अल्लाह तआला फरमाती है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के आखिरी दिन थे तो एक दिन हजरत फातिमा को बुलाया तो हुजूर ने कान में कुछ बात कही तो वो हंसने लगी, थोड़ी देर के बाद कुछ बात कही तो वो रोने लगी। तो मैंने थोड़े दिनों के बाद पूछा फातिमा क्या बात है, तो फरमाया कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपनी मौत का पैगाम दिया कि मैं इस दुनिया से जाने वाला हूँ तो मैं रोने लगी। थोड़ी देर के बाद हुजूर ने मेरे कान में कहा कि सबसे पहले तू मुझे जन्नत में आके मिलेगी तो मैं हंसने। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला को पाक नबी ने दो बेटियां दी, कितनी जोर से वो कितनी दी, दो उलमा बैठे थे। अहादीस की तमाम किताबों में नोट है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उम्मे कुलसूम का निकाह दिया या हजरत रुकैया का निकाह दिया हजरत उस्मान गनी को तो निकाह देते हुए फरमाया उस्मान ये जिब्रील आके खड़ा है कह रहा है कि अल्लाह कहती है बेटियां उस्मान को, और अल्लाह ने कहा है कि इससे अच्छा दामाद कोई नहीं मिलेगा और मुझसे अच्छा तुझे ससुर कोई नहीं। बेटियां अल्लाह की रहमतें हैं। एक हदीस में आता है जब बेटी पैदा होती है अल्लाह फरिश्तों से कहता है माँ बाप के खाते में नेकियां लिखते जाओ, ये हदीस है लिखते जाओ। बेटा पैदा होते वक्त नहीं कहा बेटी पैदा होती है अल्लाह इसलिए की तो निकाह बेटी घर में आई लिखो। और एक हदीस के अंदर फरमाया गया कि बेटियों वालों को जब सताया जाता है किसी की बेटी को जब दुख दिए जाते हैं
हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसकी जन्नत और मेरी जन्नत ऐसी होगी जैसे किसी को मिली। कभी ससुराल वाले हमारी बेटियों को तंग करते हैं, बेटियों को दुख मिलता है, फरमाया उसकी जन्नत और मेरी जन्नत ऐसी होगी। ये 12 रबीउल अव्वल सिर्फ ये नहीं कि हमने ये लाइटें लगा दी, बत्तियां लगा दी, या रसूलुल्लाह के नारे लगा दिए आमद महबूब, क्या कहते हैं सरकार की आमद जी बिस्मिल्लाह। लेकिन मेरे भाइयों इस दिन कुछ सीखो, ये हमारी जिंदगी को बदलने का दिन है, अपनी जिंदगी को बदलो, पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को अपनाओ। अल्लाह आपको मुझे अमल की तौफीक नसीब फरमाए। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जत अम्मा यसिफून व सलाम अला अल मुरसलीन व अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जिंदगी रही तो फिर कभी से इंशाल्लाह।